अरे होरी खेलाय रघु पीरा। लाल रंग प्यार का, पीला रंग दोस्ती का, गुलाबी मासूमियत का, वही सफेद रंग शांति का। तो हरा हरियाली का, खुशहाली का, हर रंग कुछ कहता है। हर रंग का अपना अलग ही महत्व है। ये तो मौसम है ही रंगों का, ये त्योहार है रंगों का। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया। और मैं हूं गरिमा। और हम होली के इस पावन पर्व पर आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में लिए चलते हैं और दिखाते हैं होली के अलग अलग रंग एमपी न्यूज एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों, कृष्ण भक्त प्रहलाद को उनके पिता के कहने पर बुआ होलिका ने जलाने के लिए चिता सजाई। चिता में लेकर होलिका बैठ तो गई। कहते हैं कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उनको अग्नि जला नहीं सकती, मगर प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इस पूरी माया को ही पलट कर रख दिया। देखा, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। देखा, अग्नि होलिका को नहीं जला सकती, अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। मेरे साथ धोखा हुआ है। होलिके, वो होलिका। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद यूं की यूं बाहर निकल आए। यही वजह है कि हम हर साल होली पर होलिका जलाते हैं और अगले दिन रंग उड़ाकर त्योहार मनाते हैं। हरे रामा ब्रिज में होली खेले सब ब्रिज नहारी रे हारी। ओ राम धनवा ओ बीठो पत्ती दीवा खेली बा बीठो काट छोले। होली का त्योहार, ये दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। दोस्तों, पहला दिन होलिका दहन, होलिका दहन में होलिका को जलाया जाता है। दूसरा दिन धुलंडी, धुलंडी के दिन एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाई जाती है, बनाते हैं, खिलाते हैं। और मेन बात बताऊँ मैं दोस्तों आपको, इस दिन सारे गिले शिकवे मिटाकर दोस्त दुश्मन जो जितने भी दुश्मन होते हैं वो भी एक दूसरे को गले लगा कर दोस्त बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज होली का त्यौहार। भारत में सबसे ज्यादा फेमस है मथुरा की होली। अब आप सोच रहे होंगे मथुरा की होली इतनी प्रसिद्ध क्यों है? क्या आप जानते हैं कि राधा रानी बहुत गोरी थी और कृष्ण भगवान सांवले सलोने? कृष्ण भगवान राधा रानी के गोर वर्ण से बहुत जलते थे, इतना जलते थे कि कई बार वो अपनी माँ से भी शिकायत करते थे। और इसी जलनवश वो अपने दोस्तों को लेकर बरसाने उन पर रंग फेंकने जाते थे। जब वे जाते और उन पर रंग फेंकते, उनकी सखियों पर रंग फेंकते, तो राधा रानी चिढ़कर उन्हें डंडे से मारती थी। बस यही वजह है कि मथुरा वृंदावन और बरसाने की होली आज भी इतनी फेमस है। जहां पूरा भारत रंगों से होली खेलता है, वहीं अब भी मथुरा वृंदावन और बरसाने में लठमार होली होती है। वहां लड़कियों पर लड़के रंग फेंकते हैं और लड़कियाँ लठ मार कर उनकी होली को दुगना कर देती है, उनके मजे को दुगना कर देती है। तो कृष्ण की वजह से ये होली सबसे खास है। हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महारानी में।
दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि मथुरा वृंदावन बरसाने की होली इतनी फेमस क्यों है। देखिए, मथुरा वृंदावन बरसाने आपस में जुड़े हुए हैं। कृष्ण का पूरा इतिहास इन तीनों गांवों के आसपास घूमता है। नंदगांव वो गांव है जहां के लोग आज भी बरसाने की औरतों को रंगने के लिए जाते हैं, इसीलिए नंदगांव की होली इतनी फेमस है। कहा जाता है कि नंदगांव के पुरुष अब भी बरसाने की महिलाओं पर रंग लगाने जाते हैं। वो उस परंपरा का पालन करते हैं जो श्री कृष्ण ने राधा को रंग में रंग कर शुरू की थी। दोस्तों, इसलिए नंदगांव के सारे पुरुष जब बरसाने जाते हैं, रंग लगाते हैं, पिचकारियां उड़ाते हैं, रंग उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, लड़कियां लठ मार मार कर उनको भगाती है, और इसीलिए नंदगांव के लोग इतने उत्साहित होते हैं होली मनाने को। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि नंदगांव के लोग होली को लेकर इतने उत्साहित क्यों होते हैं और बरसाने में लठमार होली की शुरुआत क्यों हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मथुरा में भी स्पेशल होली मनाई जाती है, वो होली जो कृष्ण की भक्ति में डूबी है, प्यार के रंग में रंगी है, उसके साथ ही वो होली जो विधवाओं को भी खुशी देती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मथुरा अकेला एक ऐसा शहर है जहाँ पर विधवा स्त्रियाँ भी होली खेलती हैं। पागल बाबा के मंदिर में उनके लिए एक विशेष आयोजन किया जाता है जहां वे सब मिलके एक दूसरे को रंगों में रंगती हैं और ये साबित करती हैं कि उन्हें भी हक है जीने का। अभी तक हमने जितनी भी होलियाँ सुनी हैं, उनके साथ ही वृंदावन की होली का भी अपना महत्व है। वृंदावन यानी कृष्ण भगवान का स्थान, जहाँ कृष्ण ने अपना जीवन जिया है अपने मित्रों के साथ। कृष्ण ने हमेशा संदेश दिया है प्रेम का, प्यार का। तो दोस्तों, वृंदावन में आज भी कृष्ण जन्म भूमि में और बांके बिहारी के मंदिर में जो होली मनाई जाती है वो देखने लायक होली होती है। उस होली के लिए अभी भी वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है। उनके सारे भक्त वो होली देखने के लिए उपस्थित होते हैं और वाकई वैसी होली कहीं और नजर नहीं आती। जैसे मथुरा वृंदावन की होली पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है, वैसे ही मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की होली का क्रेज भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों, भगोरिया को भी होली का ही एक पौराणिक रूप माना जाता है। इनका होली खेलने का ढंग बहुत निराला है। हम आपको बता दें कि भगोरिया आदिवासी समाज जिस तरह से मनाता है वो वाकई देखने लायक होता है। धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर ऐसे इलाकों में लगने वाले छोटे छोटे हाट बाजार इस समय एक बड़े मेले का रूप ले लेते हैं, और उसके बाद जब ये मेला अपने पूरे जोर पर होता है तो यहाँ पर युवक युवती इकट्ठे होते हैं, और जब युवक युवती को पान देता है और लड़की उस पान को स्वीकार कर लेती है तो उसे समझा जाता है कि लड़की ने लड़के के प्रेम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके बाद लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है और शादी हो जाती है, और शादी होने पर ही लौट कर आते हैं। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लड़का लड़की के गालों पर गुलाबी रंग लगा दे और लड़की पलट कर उसके गालों पर गुलाबी रंग लगा दे, मतलब लड़के और लड़की की रजामंदी है और रिश्ता तय हो गया है। यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ भी कम नहीं होती।
होली के पारंपरिक रंगों के अलावा एक और होली बहुत फेमस है भारत में और खासकर युवा वर्ग में, वो है गोवा की होली। दोस्तों, गोवा में इसलिए होली फेमस होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक होली मनाते हैं। कई बार वो सिर्फ होली मनाने के लिए ही गोवा आते हैं और भारतीयों के साथ रंग उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं और भांग भी पीते हैं। Do me a favor, let's play holi. रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play holi. रंगों में है प्यार की बोली। एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को, एमपी न्यूज के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कनुप्रिया, मैं गरिमा आपसे विदा लेते हैं। रंगों में है प्यार की बोली।